नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और 10 तारीख से आपका दौर स्टार्ट है दरोगा का बीएस कॉलेज दानापुर में। और हम बोले, जैसा कि बोले थे पिछले वीडियो में, कि हम कुछ सार्जेंट से बात करेंगे। अभी अपना परिचय भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कितना ये हाई जंप और लॉन्ग जंप करके आए हैं और इनका मतलब ग्राउंड में कितना मारते थे और वहाँ पर कितना करके आए हैं। चूँकि कुछ लोग जो हैं उनको अभी भी डाउट है कि हमसे चार चार होता है या फिर 14 फीट फान रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होगा। चलिए, तो अभी हम लाइन से बात करेंगे। अब हम बैकग्राउंड कैमरा स्टार्ट करेंगे। हाँ जल्दी चेस्ट नंबर बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इनसे, अभी हम बैकग्राउंड कैमरा स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सबसे हम बात करेंगे, ठीक है। सभी लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और जिनको जिसके लाइक जो भी जिनके अनुसार फिजिकल करते हैं वो अपना उनको फॉलो करिएगा। एक दो दिन समय है आपका, ठीक है, स्टार्ट कर। ये हैं हमारे पहले बंधु मतलब मित्र। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम दुखन पासवान है। दुखन पासवान, कहाँ से हैं आप? हम कैमूर जिला से। कैमूर जिला से हैं, सार्जेंट पे हैं अभी? सार्जेंट। चलिए, ये हमारे मित्र हैं। नाम क्या हुआ, परिचय बताएंगे? हमारे साथ में गुरुजी टीम में ये दौड़ते थे, ठीक है। आपका? मेरा नाम सीतेश मिश्रा है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं और हम लोग फिजिकल की तैयारी दरभंगा राज ग्राउंड में करते हैं। अच्छा, चलिए, तो जो दरभंगा से कर रहे होंगे इन पे जोड़ देंगे। अभी सबको पर्सनली बताया जाएगा कौन कैसे कैसे किए हैं। आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार यादव है और मधुबनी से बिलोंग करता हूँ और मैं खुद से अपनी ट्रेनिंग का मतलब तैयारी किया है। बहुत बढ़िया, खुद से ट्रेनिंग किया है। आपका नाम? जी, मेरा नाम सतीश कुमार यादव है और मैं भी मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ और मैं भी खुद से ही ट्रेनिंग किया था। मतलब सारे के सारे सार्जेंट खुद से ही वाले हैं। ये हमारे मित्र हैं, इनको आप पहले भी देखे होंगे एक दो सॉन्ग पे हमारे हम लोगों के साथ में किए होंगे। परिचय बताएंगे आप? मेरा नाम आदित्य शेखर झा है, हम बांका जिला से हैं और अभी सार्जेंट के पोस्ट पे हैं। सार्जेंट के लिए बिहार पुलिस के। ये भी हमारे मित्र हैं, देख लीजिए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक ठाकुर है, मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं भी खुद से किया है सार्जेंट। चलिए, मतलब प्रदीप पासवान है और मैं भी खुद से मतलब सार्जेंट के लिए फिजिकल ट्रेनिंग किया हूँ और दरभंगा से ही। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा कि लगभग सारे लोग खुद से ही करने वाले हैं और हम भी खुद ही से किए थे, अपना तो छोड़ ही दिए, तो हम भी खुद ही से किए थे, बस किसी किसी में गद्दे की जरूरत पड़ती थी। तो अभी हम कुछ पर्सनली बात करेंगे अभी कुछ लोगों से, जिनका मतलब कुछ लोगों का दो इंच कम है या एक फीट कम है, ऐसे कर करके कम जा रहा है। तो सबसे पहले हम आदित्य जी से बात करेंगे, चूँकि हमारे मित्र भी रहे हैं। तो परसों से स्टार्ट है, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी समय भी बहुत कम है और रेस्ट आप कितना दिन पहले से करेंगे, थोड़ा सा डाइट में क्या लेंगे ये सब, और वहाँ पे आपको कितना कॉन्फिडेंस रखना है दौड़ के बाद। चलिए सुनिए। देखिए, जिनका फर्स्ट डे फिजिकल है उनको अभी के बाद रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि कल अगर आप फुल ऑन रेस्ट करेंगे तभी आप परसों अच्छा परफॉर्म वहाँ पर दे पाएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप रनिंग अगर मतलब अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, इन लोगों को भी देख लीजिए, ये भी हमारे मित्र लोग हैं अभी ये लोग दरोगा पोस्ट पे। हाँ, डाले गए, ठीक है, चलिए बोलिए। कल तो जिनका मतलब रनिंग अच्छा है वो तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपना रनिंग करेंगे और सबसे पहले फोकस करेंगे अपने रनिंग पे। और जैसे हम लोग पिछले बार गर्दनी बाग में रनिंग किए थे तो बहुत अच्छे लड़के सार्जेंट के थे जिनका रनिंग काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो वहाँ पे 6 राउंड मार के बाहर आ गए, या फिर कुछ लोग राउंड मिसिंग के कारण 4 राउंड मार के भी बाहर आए हैं। तो इन सब बातों पर सबसे पहले ध्यान है आप लोगों को। और सेकेंडरी की जब आप रनिंग करके आते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब आधा ग्लास पानी पीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए। उसके बाद जब गोला फेंकने के लिए जाते हैं तो प्रयास करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप 20+ उसको कम्प्लीट करिए। उसके बाद जब हाई जंप के लिए जाते हैं, पहले हाई जंप होता है 4 फीट का, उसमें अगर जिनका 4 फीट क्लियर है वो तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, फिर भी हो जाएगा। उसके बाद जो 4.5 फीट के लिए जा रहे हैं, जैसे जिनका थोड़ा कम है, जैसे पिछले बार कुछ लोगों को हमने गांधी मैदान में सिखाया था टाइगर बैन होने के बाद, चूँकि गांधी मैदान में हम लोग का अपना प्रशिक्षण केंद्र चलता था, तो चूँकि 22 तारीख से पिछला बार फिजिकल शुरू हुआ था 22 मार्च से, और सडन 21 तारीख को शाम में पता चला कि टाइगर बैन है, तो रातों रात बहुत सारे लोगों को हमने अभ्यास करवाया और 4 फीट लगभग सब लोग क्वालिफाई किए। तो उसमें बहुत ज़्यादा डरने जैसी कोई बात नहीं है, जो अगर 4 फीट 4 इंच कर पा रहे हैं
उनके लिए कुछ नहीं है, आप कॉन्फिडेंस से पहले 4 फीट आराम से क्लियर करिए, उसके बाद जब आप सार्जेंट के हाई जंप के लिए जाइए तो बहुत ज़्यादा लंबा रनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ से लगभग 5 से 7 मीटर पहले से रनिंग स्टार्ट करिए और धीरे धीरे कदम से जाइए और जब नज़दीक पहुँचे थोड़ा सा लंबा स्टेप ले करके जंप करने का प्रयास करिए, तो इजीली वे में आप जो 4-4 कर ले रहे हैं वो वहाँ पे 4-6 इजीली वे में कर लेंगे। उसके बाद वहाँ जब आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आती है बात लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप 12 फीट है, पहले 12 फीट करवाया जाएगा। 12 फीट करने के बाद जब आप सार्जेंट के लिए जाते हैं तो जैसे पिछले बार क्या था कि सार्जेंट का जब हम लोग लॉन्ग जंप करने के लिए गए थे तो वहाँ स्पेस बहुत कम था, रन अप जो था बहुत कम था, तो इससे थोड़ा परेशानी हुई थी, तो हम लोग पीछे पंडाल से ही दौड़ना शुरू किए थे। तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ा लंबा रनिंग लगभग 30 से 35 मीटर का रनिंग लेना है और स्टार्टिंग थोड़ा सा स्लो करना है, और जैसे जैसे नज़दीक पहुँचेंगे हम लोग टेक ऑफ से जैसे जैसे नज़दीक पहुँचेंगे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करते जाना है, स्टेप छोटा होगा, स्टेप लंबा नहीं रखेंगे। स्टेप लंबा रखने से क्या होता है कि आप जब टेक ऑफ करेंगे तो वहाँ आपका पैर नहीं मिल पाएगा, इसका क्या होता है या तो आप फॉल कर जाएंगे या फिर आप अच्छी जंप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रयास करिएगा छोटे छोटे कदम से जाइए और स्पीड में जाइए और टेक ऑफ से 3 से 4 इंच पहले वहाँ पे अपना लेफ्ट पैर स्टंप करिए और जंप लगाइए, और प्रयास करिए जैसे ही आप जंप लगाते हैं तो दोनों पैर को आगे की तरफ खींचने का, आप जितना पैर आगे खींचेंगे जितनी ऊंचाई आप हासिल करेंगे उतनी ही दूर आप जाएंगे। जो पिछले बार हमारे साथ कुछ लोग थे जो 14 फीट मुश्किल से कर पाते थे, जब हम लोग गए फिजिकल करने के लिए तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से लोग 15 फीट क्वालिफाई किए, कुछ लोगों को एक बार दो बार दिक्कत हुई लेकिन थर्ड अटैम्प्ट में सबने क्लियर किया, और मतलब जितने लोग थे मतलब उसके लिए कुछ लोग थे जो टाइगर बैन होने की वजह से जिनका टाइगर में लोग 5 फीट भी हाई जंप करते थे और टाइगर बैन होने की वजह से वो लोग क्या हुआ कि सार्जेंट का अटैम्प्ट लेने ही नहीं जा पाए, क्योंकि उनको डर था, किसी ने पहले भी डरा दिया था कि अगर जाओगे मान लो कुछ हो गया पैर में मोच आ गया तो आप लॉन्ग जंप नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डरने जैसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे गद्दा लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो ज़्यादा आपको परेशानी वहाँ नहीं होगा। तो आप एफर्ट लेने से शक चाहिएगा नहीं, अगर जिनका 4-3 भी होता है वो एफर्ट मतलब अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा। ठीक, कुछ और हम बात करेंगे, आपसे थोड़ा बात करेंगे क्योंकि फेसबुक मेरे पे यूट्यूब पे बहुत सारा कमेंट आता है कि भैया अच्छा कौन है, सार्जेंट है या दरोगा, चूँकि अभी तो हम दरोगा हैं, आप लोग सार्जेंट हैं, और थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछते हैं जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, तो ये तो सबसे पहले दो पोस्ट अलग अलग है, जैसा कि हम लोगों का जो बैच था सबसे पहला था बहुत लंबे समय के बाद, इसीलिए उस टाइम पे हम लोगों के पास जानकारी नहीं थी कि सार्जेंट क्या होता है, सभी हम इवन कि हम लोग भी एसआई का तैयारी किए थे, लेकिन अब जहाँ तक हमारे पास जानकारी है कि जो सार्जेंट का वर्क प्रोफाइल है और एसआई का है बिल्कुल अलग अलग है, इसमें जो आप किस नेचर के आदमी हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप अगर यदि मान लीजिए फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, घूमना फिरना अधिक पसंद करते हैं तो आपके लिए एसआई प्रीफेयर आप करेंगे, अगर यदि आप रेस्ट मोड के इंसान हैं, आप अधिक रेस्ट पसंद करते हैं, तो आपका ऑफिशियल जॉब है ये सार्जेंट का, आपका ऑफिशियल वर्क है, वहाँ पे ऑफिस में बैठ के काम कीजिए, तो आपके नेचर पे डिपेंड करता है कि आप किस नेचर के इंसान हैं। और भी जानना चाह रहे थे, कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि पैसा को लेकर के, कि दोनों में पैसा किसको कितना मिलता है, तो हम चाहते तो हम बता देते, लेकिन हम सोचे कि भाई सार्जेंट लोगों को सार्जेंट साहब को खड़ा करके ही पूछा जाए, तो पेमेंट के बारे में पूछ रहे थे। ये तो सही है कि दोनों का बेसिक पे सेम है और दोनों का पेमेंट जो बनेगा वो सेम बनेगा, लेकिन वो आपके हर आदमी के नेचर पे डिपेंड करता है और उसका जो है क्या मतलब कैसे काम करना है उस पे डिपेंड करता है कि जो हम बाकी वर्क प्रोफाइल फील्ड में कैसे काम, बाकी प्रोफाइल कैसे करें, बेसिक पे पेमेंट सबका सेम है, मतलब जितना हमारा भी 46,632 आ रहा है, तो हम अपना लाइफ जो है बहुत आसानी से जी सकते हैं और वो हर काम हमारा जरूरत का काम पूरा हो सकता है, तो पैसा का कोई ये नहीं है, आप अपने जॉब के प्रोफाइल के हिसाब से काम कीजिए, उसके लिए मतलब आप अपने हिसाब से बताइए कि जिनका 4-4 हो रहा है या फिर जो 14 फीट अभी कर पा रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, उनको डरना चाहिए या सार्जेंट एकदम कॉन्फिडेंट में रहना चाहिए कि मेरा होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप बोलें बताएंगे? देखिए जी, डरने की तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं है, मैं कोई क्राइम करने नहीं जा रहा हूँ, कोई क्राइम करने नहीं जा रहा, आपने तैयारी किया है, आपका रिजल्ट आया होगा, तब से आपने जी तोड़ मेहनत किया होगा, सबका तैयारी अच्छा खासा होगा, गड़बड़ी कहाँ होती है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण, और फिर एक अंदर से जो डर बना रहता है,
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए रनिंग बहुत ईजी है, सफिशियंट टाइम है, 6.5 मिनट टाइम है, उसमें कोई हेडेक नहीं है। अच्छा, अभी बाहर के ग्राउंड में जो मतलब 7:15 तक भी मार रहे हैं तो क्या वो कर पाएंगे या नहीं? यही मैं बताने जा रहा हूँ, एक मिनट, कि देखिए मेरे अगर जो एज ए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं कहूँगा कि रनिंग पैरों से नहीं होती है, रनिंग दिमाग से होती है। अगर 7 मिनट भी लग रहा है और वहाँ हम अगर ठान के जाए कि मुझे रनिंग करना है, अगर जब तक मेरे पैर चल रहे हैं दौड़ना है, जब पैर चलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, गिर जाएंगे, तभी रनिंग बंद करेंगे, 100% श्योर मैं दावा के साथ कहता हूँ कि वो आदमी रनिंग कंप्लीट करेंगे और ज़रूर करेंगे। और जहाँ तक बात है कि डरते हैं लोग कि 4.5 फीट हाई जंप, 15 फीट लॉन्ग जंप, तो भाई मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर जो आदमी ग्राउंड में 4 फीट 4.25 फीट हाई जंप कर रहा है, वहाँ जाने के बाद अगर कॉन्फिडेंस हाई है, माइंड पॉजिटिव है, इन सब चीज़ों के साथ अगर एंट्री करता है तो उसे देखने पर ही लग जाएगा ये 4.5 फीट का हाइट का है और वो ऐसे जंप करेगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी 4.5 फीट में हमेशा टच करता था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने किया और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बसरते आप पॉजिटिव रहिए, घबराना नहीं है, बिल्कुल ही घबराना नहीं है, पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए, कुछ एनर्जी भी लेते जाइए, जाने एंट्री करने से पहले हो सके तो 1-2 स्पंज खा लीजिएगा, कुछ अपना जो है सो केला वगैरह खा लीजिएगा, फ्रूट वगैरह, हल्का सा पानी लीजिएगा और जाइएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, श्योर होगा और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक हम लोगों के तरफ से जरूर होगा। इधर भी दो लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे थोड़ा सा ये जानना था, आइए आइए, आपसे थोड़ा ये जानना था कि जैसे स्कूल के बाहर जाते हैं जिस दिन फिजिकल रहता है तो सब लोग डरे रहते हैं, तो वो डर कहाँ तक बना रहता है, ग्राउंड तक पहुँचने तक, या फिर वहाँ तक भी बना रहता है, या फिर दौड़ते दौड़ते समाप्त हो जाता है? आपको ग्राउंड से बाहर तक ही डर रहेगा कि अब अंदर में जाएंगे क्या होगा नहीं होगा, जब आप ग्राउंड में इन कीजिएगा तभी आपका एक अलग जुनून हो जाएगा, वो आप सोचिएगा कि नहीं हम कुछ भी करके उसको पूरा जितना है मेरा रनिंग करने का टाइम हम उसके अंदर आ करके ही रहे, वहाँ ऑटोमेटिक जज्बा अंदर में आपको जग जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैं बिहार पुलिस में 5 सेकेंड छट गया था, उससे पहले मैं दौड़ा था, उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में था कि नहीं होगा नहीं होगा, जब मैं दौड़ा दौड़ने गया तो मैं सोचा था कि दौड़ूंगा, जब तक मैं गिर नहीं होता तो मैं दौड़ता रहूँ, जैसे मेरे साथी बोले, इसलिए कि मन में एक जज्बा बना कर रखे कि नहीं हमको करना है, किसी हाल में करना है तो कंफर्म हो जाएगा। और मैं ये बता दूं कि मेरा 4-4 होता था, 4-5 4-6 में हमेशा मैं सरता था हमेशा, लेकिन वहाँ जाकर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में तीनों को क्वालिफाई किया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, तीनों। लॉन्ग जंप में आ रहा है बहुत सारे लड़कों का दिक्कत, बहुत सारा 12 फीट नहीं कर पा रहे हैं, तो लॉन्ग जंप के बारे में थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे अपने हिसाब से, हो सकता है जितने भी स्टूडेंट हो आपका एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ काम कर जाए, तो लॉन्ग जंप के लिए आप क्या सुझाव देंगे? मेन है कि रनिंग का जो मतलब डिस्टेंस है वो बहुत मायने रखता है कि कितना डिस्टेंस से आप लेते हैं प्रैक्टिस में, मतलब अगर प्रैक्टिस जिस हिसाब से करें उसी हिसाब से मतलब वहाँ भी करना है, क्या होता है कि डिस्टेंस अगर आगे पीछे हो जाता है तो वहाँ पे जो लाइन जो होता है उसका जहाँ से जंप करते हैं वो लाइन जो है सबसे बड़ा, तो लाइन का ही ख्याल रखना है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हम लोग में भी आपका खराब हो सकता है अगर लाइन, अगर एक मिनट में जरा एक बातें बता दूं। हाँ बताइए। कि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कुछ करें, एक्सपेरिमेंट करें, दूसरों के बातों में आकर के कुछ नया ट्राई करें, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। तो जो आप जानते हैं, जिसमें आप निपुण हैं, जैसा आप जंप करते हैं, जानते हैं हम इतने दिनों से आप तैयारी करते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए होंगे, तैयारी करते होंगे, कुछ ना कुछ आप हासिल किए होंगे, यहाँ से नया बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, जो आप करते हैं उसी में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, आराम से होगा। लास्ट टाइम में आप क्या बोलना चाहेंगे सब मिलकर? बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, वेस्ट कर रहा है बीपीए में, स्वागत है आप लोगों का, बीपीए में सबका स्वागत है ना, खुले बाहों से खुले दिल से स्वागत है। और एक बात और, जो किसी को हो सकता है कि लास्ट टाइम में इंजरी आने की चांसेस हाई रहते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए भी नहीं घबराना है, वहाँ जाके आप अगर आपका तैयारी इससे पहले बेहतर होगा तो वहाँ पे जाके आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन भूल से भी मेडिकल लगाने की बातें नहीं सोचना है। नहीं, मेडिकल तो अब सोचना ही नहीं, वो तो सब लोग समझ गए, मेडिकल नहीं सोचना। आपका प्रदर्शन बेहतर होगा और चलिए
स्वागत है, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं आप लोगों का। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, हम लोग स्वागत करेंगे फुल के। और हमारी कंपनी भी आ गई है और हमारा रोल कॉल स्टार्ट होने वाले हैं। हमारी कंपनी भी आ गई है, रोल कॉल स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए अब हमें भी अब जाना पड़ेगा। चेस्ट नंबर पहन कर आना होना है। फिर कुछ बोलना है? आशीष सर चलिए चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।